एक गांव में एक किसान अपने परिवार के साथ रहा करता था। वह रोज सुबह जल्दी उठकर दूर एक झरने से पीने का पानी लेने जाया करता था। इसके लिए वह अपने कंधों पर बांस से दो बड़े मटके बांधकर लटका लेता और उनमें पानी भरकर ले आया करता था। भाग्यवश उन दोनों मटकों में से एक मटके में एक छोटा सा छेद हो रहा था। इस वजह से उस मटके से रोज थोड़ा थोड़ा पानी नीचे गिर जाया करता और जब घड़ा लेकर अपने घर पहुंचता तो उस घड़े में पानी आधा ही रह जाता। घड़ा अपनी इस कमी को जानता था और इसके लिए मन ही मन दुखी भी होता था। वही दूसरी ओर दूसरा सही वाला घड़ा अहंकार में भरा जा रहा था कि उनमें कोई कमी नहीं है और वो किसान के लिए पूरा भरकर पानी घर लाता है। एक दिन किसान दोनों मटकों को देखा तो पाया कि फूटा हुआ मटका दुखी और उदास है। उसने मटके से उसकी उदासी का कारण पूछा। इस पर मटके ने कहा, मैं खुद पर शर्मिंदा हूँ और आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। किसान ने पूछा, क्यों? तुम किस बात से शर्मिंदा हो? फूटे मटके ने दुखी होते हुए कहा, शायद आप नहीं जानते पर मैं एक जगह से फूटा हुआ हूँ और पिछले 2 सालों से मुझे जितना पानी घर पहुँचाना चाहिए था बस उसका आधा ही पहुँचा पाया हूँ। मेरे अंदर ये बहुत बड़ी कमी है और इस वजह से आपकी मेहनत बर्बाद होती रही है। मटके की बात सुनकर किसान भी थोड़ा दुखी हुआ और बोला, कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ कि आज लौटते वक्त तुम रास्ते में पड़ने वाले सुंदर फूलों को देखो। मटके ने वैसा ही किया। वह रास्ते भर सुंदर फूलों को देखता, ऐसा करने से उसकी उदासी कुछ दूर तक दूर हुई पर घर पहुँचते पहुँचते फिर उसके अंदर से आधा पानी गिर चुका था। वो मायूस हो गया और किसान से क्षमा मांगने लगा। इस पर किसान ने मटके से कहा कि शायद तुमने ध्यान नहीं दिया, पूरे रास्ते में जितने भी फूल थे वे बस तुम्हारी तरफ ही थे, सही घरे की तरफ एक भी फूल नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं हमेशा से तुम्हारे अंदर की कमी को जानता था और मैंने उसका लाभ उठाया। मैंने तुम्हारे तरफ वाले रास्ते पर रंग बिरंगे फूलों के बीज बो दिए, तुम रोज थोड़ा थोड़ा करके उन्हें सींचते रहे और पूरे रास्ते को इतना खूबसूरत बना दिया। तुम ही सोचो, अगर तुम जैसे हो वैसे नहीं होते तो भला क्या मैं ये सब कुछ कर पाता।